हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजीव सूरा ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मनगवा ये आप देख सकते हैं कि ये सुलभ कॉम्प्लेक्स, यहाँ क्या कैसी व्यवस्था है, क्या साफ़ सफाई है, क्या यहाँ के कर्मचारी साफ़ सफाई में ध्यान रखते हैं। तो आइए देखें कि यहाँ साफ़ सफाई कैसी है और कर्मचारी की दिक्कतें क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, तो ये हम सब जानेंगे। ये अपना थाने लाइन में है, ये अपना कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। छोटा सा गार्डन टाइप का है, कई सारे पेड़ पौधे कुछ वगैरह लगे हुए हैं। तो और ये कुछ अमरूद के पेड़ लगे हैं, और ये काहे का बड़ का पेड़ है, काहे का पेड़ है, अनार भी लगा हुआ। अरे अनार में तो छोटे छोटे अनार में फूल भी बैठा हुआ है, फल बैठा हुआ है। और देख सकते हैं यहीं नहाते हैं तो बढ़िया पानी पहुंच जाता है। बाहर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और अंदर देखते हैं कि क्या कैसी व्यवस्था है, साफ सफाई। क्या लग रहा है सर, बैठे हो? जी बढ़िया। तो भाई अपना परिचय दीजिए, आप यहाँ के कर्मचारी हैं? जी। क्या नाम है आपका? जी सुनील कुमार मैत्रे। सुनील कुमार मैत्रे जी, है ना। तो सफाई भाई बहुत बढ़िया है, पता था क्या कि हम लोग आएंगे? पता नहीं, ये हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ऐसे रहता है सफाई टाइम टू टाइम। और इस साइड क्या है? ये अपना रूम है, मतलब खाना वगैरह खाने के लिए। अच्छा, इधर अपना स्टोर सामान वगैरह जो भी रखने के लिए। सामान दिखाओ क्या है वहाँ, साइकिल अच्छा, है और अपने काम की जो भी चीजें हैं। अच्छा अच्छा, स्टोर रूम है। बहुत बढ़िया, पर्दा वर्दा सब लगाए, बढ़िया, सब पर्दा भी बढ़िया, साफ सुथरा है। तो पेमेंट वगैरह भैया मिल रहे हैं समय से? हाँ, कितना पेमेंट? कितना? 10 के आसपास। 10 के आसपास, अरे हो गया, ठीक है। तो पढ़ाई भी की है आप? पढ़ाई बारहवीं तक। अरे बहुत की है। देख सकते हैं कि ये भैया बढ़िया साफ सफाई के साथ, है ना सुनील जी, है ना जी। सुनील सर बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इधर महिला जेंट्स, ये हाँ वो महिला है इधर का। अच्छा, वो महिला जी, ये जेंट्स है। जेंट्स सफाई बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, यहाँ भी खुला आसमान बनाया गया है, डिजाइन। तो दोस्तों आप लोग देखें कि सुनील मात्रे जी हैं, तो इनसे मिलकर और इनका काम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्या आपके शहर में भी ऐसे कॉम्प्लेक्स की सफाई रहती है? आप भी जिम्मेदार बने, ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, सुनील मात्रे जी का काम नहीं है। आप लोग भी आए तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं, गंदगी को जो अपनी गंदगी है उसको स्वयं साफ करें। ऐसा क्यों भैया? यहाँ पर स्लीपर वगैरह सब चीजें लग के रखते हैं, मतलब आप बाहर से आ रहे हो। हाँ। तो अपने चप्पलें जो भी है बाहर रखो, अंदर के चप्पल यूज करो, ताकि आप लोग आएंगे आपको स्वच्छता रहेगी, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दिन भर तो हम करते नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपका भी ऊपर रहे। बिल्कुल, एक आदमी कैसे कर पाएगा, थोड़ा सहयोग रहेगा पब्लिक का, तो काम ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भैया का संदेश है, तो आप लोग जरूर इनके बातों को फॉलो करें। अपने शहर में जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां भी ऐसे कि खुद जिम्मेदार बने। केवल सफाई करना किसी काम को एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, आप भी उसमें सहयोग दें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राजीव सूरा ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।